Hello everyone and welcome to our channel. Today we are going to start another chapter of accounts, that is admission of partner. Very important chapter, having a minimum weightage of 6 marks and maximum weightage near about 10 to 11 marks. So very important, and let's start with this chapter. And first thing that we need to understand, why there is a need of admission of a partner. We all are aware about the term admission of a partner. Admission means kisi ka aana. So jab hum baat karte hain ki admission of partner means agar ek firm दो पार्टनर्स चला रहे हैं, ए और बी, दे आर द टू पार्टनर्स. ड्यू टू सम रीज़न, मे बी दे नीड मोर फंड्स, मे बी दे आर नॉट एबल टू डिवोट द प्रॉपर टाइम, सो दे नीड अनदर पर्सन हु कुड हेल्प देम. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि उनको पैसों की ज़रूरत है, दे आर नॉट कैपेबल इन वन टाइप ऑफ स्किल, तो दैट इज़ द रीज़न दे वॉन्ट टू एडमिट अनदर पर्सन हु इज़ capable, who is able to handle the business more efficiently. Sometimes they are not able to devote proper time, so due to maybe some reason there is need to admit a partner. तो ये क्या करते हैं, सी को एडमिट कर लेते हैं, या सी और डी दो पार्टनर्स एडमिट हो जाते हैं. दिस इज नोन एज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. एंड जब भी पार्टनर की एडमिशन होती है तो एक तरह से आपका जो एग्रीमेंट होता है वो चेंज होता है. अर्लियर जो प्रॉफिट था वो दो पर्सन शेयर कर रहे थे, ए और बी. अब ड्यू टू एडमिशन ऑफ सी एंड डी, नाउ दैट प्रॉफिट या जितना भी इंक्रीज प्रॉफिट होगा, अब वो प्रॉफिट क्या होगा, चार पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो यहाँ पे एक तरह से अगर आप बात करते हो, जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होते हैं तो आपका जो ओल्ड एग्रीमेंट है वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और जो आपका न्यू एग्रीमेंट है वो क्या हो जाता है, एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं. तो इस तरीके से जब हम बात करें, ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो गया और न्यू एग्रीमेंट आपके एग्जिस्टेंस में आ गया, सो दैट इज़ अ रीज़न एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे आपकी जो फर्म होती है उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब वो एक तरह से दोबारा से बनना शुरू होती है. बट इस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इट मीन्स आपकी ओल्ड एग्रीमेंट का ख़त्म होना और न्यू एग्रीमेंट का एग्जिस्टेंस में आ जाना. और जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होती है, देर आर सम एडजस्टमेंट दैट इज टू बी मेड. फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या था, प्रॉफिट दो पर्सन शेयर कर रहे थे. अब क्या हुआ, न्यू पार्टनर्स आए, तो इनमें से कोई पार्टनर तो सेक्रीफाइस करेगा ना. फॉर एग्जाम्पल, पहले एक चॉकलेट थी, वो चॉकलेट दो पर्सन खा रहे थे. अब वही चॉकलेट है, चार पर्सन हो गए, तो जो दो पर्सन पहले हाफ हाफ चॉकलेट खा रहे थे, अब उन्हें और हाफ मिलेगी. तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि कुछ पार्टनर्स सेक्रीफाइस करेंगे, और ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेक्रीफाइस करें, ये भी हो सकता है कि ए ही सेक्रीफाइस कर दे, या सिर्फ बी ही सेक्रीफाइस कर दे, या ए कम करे बी ज़्यादा करे, या बी कम करे ए ज़्यादा करे, कुछ भी हो सकता है. सो नाउ द फर्स्ट थिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वन थिंग, इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसके बिना सॉल्व नहीं होगा. एंड दूसरी चीज़, आपके वन मार्क का जो क्वेश्चन होता है वो नॉर्मली रेशो से पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपने रेशोज को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है. इफ़ यू आर फेसिंग एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप कैसे निकालोगे, देयर आर डिफरेंट केसेस डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व वैसे करना होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड द सेक्रीफाइस रेशियो. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर टी एस गरेवाल बुक. Let's read. X, Y and Z, they are the partners sharing profit in the ratio 5-3-2. They admit A into partnership and give him 1/5 share of the profit. And the new ratio आपने क्या करनी है, calculate करनी है. So first we need to note down the information. X, Y, Z, they are the partners in the ratio 5-3-2. And they admit A into a partnership, और A को share कितना दे दिया, 1/5. Clear? पहली चीज़ जो हर क्वेश्चन को करने से पहले तुम्हें समझनी चाहिए, हमेशा जो टोटल शेयर होता है ना प्रॉफिट का, टोटल शेयर किसी भी चीज़ का, हम अकाउंट्स में उसे या किसी भी चीज़ में लेके चलते हैं, उसको वन लेके चलना है, क्योंकि ये 1/5 फ्रैक्शन है ना, तो ये वन ही आपने टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट लेके चलना है, ये टोटल है. क्लियर? अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ आपको एक्स और वाई की रेश एक
एक्सवाइजेड की रेशो दी हुई है, तो ये तीन पार्टनर्स की रेशो दी हुई है, ए इज़ अ न्यू पार्टनर, इसके बाद आपको कुछ और क्वेश्चन में नहीं मेंशन है। तो दैट मींस जब आपको पहला केस क्या है, जब आपको ओल्ड रेशो दी हो और न्यू पार्टनर का न्यू शेयर दिया हो, तो हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशो। पहली चीज़, टोटल शेयर क्या होता है, 1 के इक्वल होते हैं, है ना। अगर एक्स वाई जेड और ए पार्टनर बन भी जाएंगे, हम इनकी रेशो एक साथ निकालेंगे, तो टोटल प्रॉफिट तो कितना होगा, टोटल प्रॉफिट कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू 1। एग्री। अब 1 में से हमें न्यू एग्रीमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो ए आया है उसे 1/5 मिलेगा, तो 1 टोटल शेयर है इन चारों का, उसमें से 1/5 ले गया ए। जब 1/5 ए ले गया तो चेक करो बचा कितना इन तीनों के लिए, तो यहाँ पे 5-1 4/5 विल बी द रिमेनिंग शेयर। तो आप फर्स्ट स्टेप क्या लेके चल सकते हो कि आपने सबसे पहले ये, आपको इतना तो पता ना कि ए का शेयर कितना है, ए का शेयर 1/5 है, टोटल चारों का प्रॉफिट मिला के 1 के इक्वल है, 1 में से 1/5 तो ले गया ए, वो तो कहता है मेरा 1/5 है, मैं तो अपना लेके जा रहा हूँ, तो कितना प्रॉफिट बचा, 4/5 शेयर। अब इस 4/5 शेयर को एक्स वाई जेड ने आपस में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। ये कुछ नहीं बोल रहे थे ना, सिर्फ ए ने बोला था। हर चीज़ को ये किस रेशो में बांटते थे, 5-3-2, हर चीज़ को ये किस रेशो में बांटते थे, 5-3-2। अगर ए ने अपना शेयर बता दिया, इन्होंने, ये साइलेंट है, ये कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब ये अपनी इसी रेशो में इस बचे हुए प्रॉफिट को, इस रिमेनिंग प्रॉफिट को, रिमेनिंग शेयर को ये क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो व्हाट इज़ द एक्स न्यू शेयर, वाई इज़ न्यू शेयर, जेड न्यू शेयर। न्यू क्यों बोला, क्योंकि अर्लियर ये तीनों 1 में से ले रहे थे, अब चारों ले रहे हैं 1 में से, ए का हो चुका है, जो रिमेनिंग बच्चा है ये न्यू है ना, न्यू टोटल था 1, उसमें से ए का न्यू निकाल लिया, ठीक है, तो बचा कितना, एक्स वाई जेड का न्यू। अब क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था, तो वी विल अज्यूम दैट कि इन्होंने क्या किया, इसी रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। एंड वन थिंग मोर, मैं आपको अभी सॉल्व करने के बाद बताऊंगी, एक और इम्प्लीकेशन इस पॉइंट की बनती है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्स वाई जेड 4/5 बचा ना, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन्होंने अपनी ओल्ड रेशो में, हर चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना कैसे सिखाया था, 5/10, क्योंकि 5 3 8, 8 2 10, 3/10, 2/10, 20/50, देन 12/50, 8/50। हमें एक्स वाई जेड और ए का कंबाइन शेयर निकालना है ना, तो यहाँ पे 20/50, 12/50, 8/50 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, उसका कितना था 1/5 ए का, इसको भी 50 कर लेते हैं, तो 20/50, 12/50, 8/50, 10/50। अच्छा, मैंने क्या बोला था, टोटल शेयर किसके इक्वल होता है, 1 का, तो ये भी टोटल शेयर 1 के इक्वल होना चाहिए, अगर 1 नहीं आया तो देट मीन्स क्वेश्चन गलत है। तो 20 नीचे डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 20+12 कितना हुआ, 32, 32+8 कितना हुआ, देट इज़ 40, 40+10 कितना हुआ, 50, 50/50 कर दिया, कितना आया आंसर हमारे सामने, दैट इज़ 1। तो इसका मतलब इस केस में आपके लिए जो आपने रेशो निकाली है उसका टोटल कंबाइंड शेयर किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। अब एक और चीज़ जो मैंने बोली थी स्टार्टिंग में, मैं आपको बताऊंगी, होता क्या है कि जब आपको ओल्ड रेशो दी हो और न्यू पार्टनर का न्यू शेयर दिया हो, तो ये अज्यूम किया जाता है, अगर क्वेश्चन और साइलेंट हो कि किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स ने अपनी ओल्ड रेशो में ही क्या किया है, सेक्रीफाइस किया। लेट मी प्रूव दैट। आपने ये न्यू रेशो निकाली एक्स वाई जेड और ए की, तो अभी हम सेक्रीफाइस निकाल के देखेंगे। हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस, कैसे होते हैं, सन को याद करने, सन मतलब, सन के स्पेलिंग क्या होते हैं, SON, तो सन मतलब सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, ये ट्रिक है, आप कभी भूलोगे नहीं। तो यहाँ पे अच्छा,
अब मेरे को एक चीज़ बताओ, तीन पार्टनर्स थे ए बी सी या एक्स वाई जेड जो यहाँ पे थे, एक न्यू आता है उसे तो हम शेयर दे रहे हैं ना, तो वो कहाँ से सेक्रीफाइस करेगा? जो न्यू पार्टनर आता है ना, न्यू पार्टनर इज़ ऑलवेज अ गेनिंग पार्टनर, ये आपने याद रखने हैं। न्यू पार्टनर हमेशा गेनिंग है क्योंकि उसे तो कुछ मिलना है, और जो पार्टनर पुराने हैं उन्होंने सेक्रीफाइस करना है। तो यहाँ पे ओल्ड शेयर कितना दिया हुआ है, एक्स वाई एंड जेड का आपने क्या करना है, सेक्रीफाइस निकालना है, क्योंकि पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं। इन ज़रूरी नहीं है कि सारे करेंगे, किसी का आंसर ज़ीरो भी आ सकते हैं। रेशो क्या थी, 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10, माइनस माइनस माइनस। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, न्यू वाली 20/50 टोटल देखनी है, ये नहीं सोचना कि हमने ए का नाम नहीं लिखा तो ए का नहीं मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे सबका करना है, नीचे टोटल में 50 ही आना है। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 50 विल बी द एलसीएम, देन कितना आएगा, 25 - 20, 5/50, डन। अब इसमें 50 लिया एलसीएम, 15 - 12, 3/50, 50 इज़ एलसीएम, देन 10 - 8, 2/50। डिनोमिनेटर इज सेम, 50 50 50, आपने रेशो ऊपर वाली ले लेनी है, 5:3:2। सी ओल्ड रेशो कितनी थी, 5:3:2, सेक्रीफाइस की रेशो निकाली कितनी आई, 5:3:2। तो दैट मीन्स इन दिस केस आपकी ओल्ड रेशो क्या होती है, सेक्रीफाइस रेशो की इक्वल होती है। दैट मीन्स जैसे मैं अभी एक बार क्वेश्चन रीड करवा देती हूँ, अगर आपको सिर्फ ओल्ड रेशो दी हो और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो, इसके अलावा कुछ मेंशन ना हो, तो आपकी ओल्ड रेशो सेक्रीफाइस की इक्वल होती है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन कैलकुलेटिंग इट, यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट कि जब भी आपको ओल्ड रेशो दी हो और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो, तो ओल्ड रेशो सेक्रीफाइस रेशो के क्या होती है, इक्वल होती है।